Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is going to be extremely important for those who are waiting for a snap 2021, because in this video, I'm going to discuss about SIBM Bangalore placement reports. So guys, this is a very important video, because as you know, I know that many people who almost all the top two colleges target from snap, like SIBM Pune and SIMHRD. But guys, you know that हर कोई नहीं जा पाता टॉप टू में, इसलिए बैकअप ऑप्शन रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, मेनली उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसी साल एडमिशन लेना ही होता है, जिनके पास नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन है दे कैन ट्राई अगेन, बट काफी बच्चे होते हैं जिनको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो गाइस SIBM बैंगलोर नो डाउट एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसको काफी टाइम हो चुका है, SIBM ब्रांड ऑलरेडी काफी अच्छा है। ठीक है, तो काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो ये हमने प्लेसमेंट रिपोर्ट की वेबसाइट से लिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कंपनीज कौन सी आती हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, जिससे सबको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एक्चुअली मैटर करता है आगे। ठीक है, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो पर रहता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी, सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बनना है, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना गाइस, क्योंकि आप स्नैप आने वाला है, कैट के बाद सब लोग स्नैप में लग जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे काफी क्वेश्चन की। चलो गाइस, प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो गाइस ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने प्लेसमेंट हाइलाइट्स दिखाया हुआ है। तो गाइस पहली बात करें अगर SIBM बैंगलोर की, तो इसमें जो बैच साइज है वो एक बहुत अच्छी चीज है कि 180 का बैच साइज है, खाली 180 स्टूडेंट्स गाइस काफी सही होते हैं, मतलब काफी डिसेंट बोला जाएगा, आराम से प्लेसमेंट हो सकता है सबका। ठीक है, तो बात करें अगर एवरेज CDC की, एवरेज पैकेज की अगर बात करूँ, तो एवरेज पैकेज जो था इस साल का 2021, ठीक है, वो था 10.40 लाख, ये एवरेज पैकेज था। ठीक है, एवरेज से ज्यादा मीडियम देखा करो, बिकॉज एवरेज में आपको थोड़ा सा वैसे फिगर बन सकते हैं, बिकॉज एवरेज कैसे निकलता है, अगर किसी का पैकेज 10 लाख है तो दूसरे का पैकेज 20 लाख है, तो एवरेज कितना आएगा, 10 + 20/2, 15 लाख, तो इस वजह से ऐसे निकलता है एवरेज, बट मीडियम एक सही चीज होती है और मीडियम पैकेज है 9.75 लाख। गाइस मुझे लगता है कि अगर आपके करियर की स्टार्ट 9.5 या 9 से स्टार्ट हो रहा था, बी इट्स नॉट बैड। देखो अगर आप इसको SIBM पुणे CMHRD MDI NMI में से कंपेयर करो तो आपको कम लगेगा ही लगेगा, बिकॉज वहाँ पैकेज जाता है 17-18, नो डाउट वो तो अच्छे हैं ही है। ठीक है, बट स्टिल एक करियर के स्टार्ट अगर करनी है तो 9-10 लाख से भी करो, आप अगर अच्छे हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप 3-4 साल में 15-16 तक पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं गैस, ये तो एवरेज था, अब बात करते हैं अगर 180 बच्चे हैं और आप वहाँ पे अगर 2 साल ढंग से करते हो अपना काम, ठीक है, तो आप अगर टॉप 15 में आ जाते हो तो आपको पैकेज मिल सकता है 14.11 का। बट गैस एक चीज नोट करना है, टॉप 50 मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप वहाँ पे टॉप 50 में चले गए, वहाँ पे आपका स्कोर आ गया, टॉप 50 बेसिकली ओवरऑल सब कुछ मिला के होता है, आपका 10th 12th और आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है सब कुछ, तो आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, जो होना था हो गया। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में दो चीजें, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना, अपनी नॉलेज मेच्योरिटी इंप्रूव करना और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना, वहाँ पे केस स्टडी कॉम्पिटिशन, जो कॉलेजेस कॉलेज की जो पढ़ाई है वो, काफी लोग कॉलेज में जाते हैं तो आई नो कि केस स्टडी कॉम्पिटिशन वगैरह बहुत मैटर करता है, कमिटीज में रहना काफी मैटर करता है, आपका एक्सपोजर होता है, बट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं, और गाइस अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका फिर परसेंट CGPA कम हो जाएगा, और हर कॉलेज में आई गेस डीन्स लिस्ट बनती है, अगर आप डीन्स लिस्ट में आ जाओ, डीन्स लिस्ट मेरे ख्याल से आई गेस टॉप 10% बैच के लिए होती है, ठीक है, तो वो सब भी होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप टॉप 50 में आते हो तो आपको 14.11 का पैकेज लग जाएगा। सोचो गाइस किसी का अगर मानो 14 लाख का पैकेज लग गया SIBM बैंगलोर में, तो उसके लिए कितना सही है वो, SIMHRD और SIBM का भी पैकेज एवरेज 15 ही होता है करीब, देखा जाए तो मीडियम पैकेज यहाँ पे आपको 14 मिल रहा है, तो डिसेंट है। ठीक है, अगर आप टॉप 100 में रहते हो तो 12.35, तो गाइस ये मीडियम पैकेज 9.75 पे अगर आप अच्छे रहते हो तो आपको 11-10, 11-12 मिल जाएगा। और गाइस मेरा मानना है कि पैकेज तो ठीक है, पैकेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी, क्योंकि गाइस मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार आपने कंपनी अच्छी पकड़ ली, बढ़िया कंपनी पकड़ ली, कोई कंसल्टिंग कंपनी पकड़ ली, तो कोई देखेगा नहीं आपका 2 साल कहाँ पे हो। जैसे मेरे एक जॉब में एक फ्रेंड था, उसने SIBM बैंगलोर से किया, ठीक है, डिसेंट था, मैंने कहा ठीक है कर लिया, बट वहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया उसका, JP Morgan में उसका प्लेसमेंट हो गया। अब आप बताओ ना, JP Morgan में चले गए आप तो 2 साल कौन देखेगा आप कहाँ से हो आप ऐसा, तो वही है ना कि कॉलेज ऐसा लोग जहाँ पे कंपनीज आए, अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंपनी नहीं आएंगे, मतलब क्या है, अच्छी बात क्या है कि इस कॉलेज में कंपनी आ रही है, क्रेडिट्स आ रही है, KPMG आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, JP Morgan आ रही है, तो इन सब कंपनी में अगर आप चले गए ना, तो कभी भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो टॉप 25 में जाने की कॉलेजेस में, बट आपको कोई डिसेंट कॉलेज मिल रहा हो, तो वहाँ पे कंपनीज देखो कौन कौन सी आती है, क्योंकि एक बार अगर कॉलेज आपको टॉप 25 का नहीं मिला या टॉप 15 का नहीं मिला, बट आपको अंदर कंपनीज अच्छी आ रही जो नॉर्मल कॉलेज है, तब भी आपका अच्छा हो जाएगा। मान लो आप डिलॉयट में चले गए, डिलॉयट
कितनी अच्छी कंपनी है, वहां पे एक बार आपका नाम हो गया, इस तरह के ब्रांड्स में एक बार आपके सीए में आ गया, दो साल बाद कोई नहीं देखेगा आपको ज्यादा। फिर आपको देखेगा प्रायर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, आप जेपी मॉर्गन से आए हो, केपीएमजी से आए हो, ये मैटर करता है। आप पूछ लेना किसी से भी, 3 साल बाद मैटर करेगा ही नहीं कुछ, ठीक है, धीरे धीरे सब वो जाता है। अच्छा कॉलेज क्यों होता है चाहिए, अच्छा कॉलेज का रीजन क्या होता है, जब आप अच्छे कॉलेज जाते हो एसआईबीएम पुणे गए, अब वहां पे आपको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो जैसा पैकेज मिल रहा है उसी तरह का प्रोफाइल मिल रहा है आपको, तो बस आपका ग्रोथ तेजी से होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हर कोई वहाँ पे सभी कोई ग्रो कर लेगा, बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, तो आप चाहो तो एसआईबीएम बैंगलोर को भी आगे जाके बीट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक नॉर्मल जॉब चाहिए होती है कि ये पर लग गया 18 लाख का चल रहा है, वो आगे हाथ पैर नहीं मारते। बट आप क्या हो, आपको ग्रो करना है लाइफ में आगे, ठीक है। तो आप स्विच करोगे, आप बहुत सारा अपना इनिशिएटिव दोगे, तो आप ग्रो कर जाओगे। हमारे पास ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं गाइस, जहाँ पे लोग एससीएम एचआरडी से पास आउट हैं और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, और उनको एनआईएम बैंगलोर वाले रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है। जनरली तो टॉप कॉलेज वाले ही ऊपर जाएगा, बट मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ आपको कि आपके अंदर स्किल्स है तो आप अच्छा कर सकते हो, अगर डिसेंट कॉलेज लेने के बाद भी, बट डिसेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ही बेकार जहाँ पे आपको कुछ आता ही नहीं है। अब कंपनी नहीं आएगी, लोकल कंपनी आएगी, यहाँ वहाँ की थोड़ी कर लोगे फिर आप। यहाँ पे अच्छी बात क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज अच्छी आ रही है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर पहली प्रायोरिटी तो यही कि आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें लक होता है, सबके साथ नहीं होती। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो ग्रोथ होगी, बट आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको इसी साल एडमिशन लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, तो एसआईबीएम बैंगलोर एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड आप अच्छे से मेहनत करो और अपने स्किल्स इंप्रूव करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी से काम करो, तो हो जाएगा। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं गाइस, जहाँ पे लोग एक डिसेंट कॉलेज निकलने के बाद भी अच्छा करते हैं, बिकॉज उनके स्किल्स अच्छे हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं और अपने को डेवलप करते रहते हैं इसलिए, ठीक है। तो गाइस बात करने अगर फाइनेंस कंसल्टिंग, फाइनेंस मार्केटिंग की, तो मुझे फाइनेंस सही लगती है। ये सब बातें करने का मतलब नहीं कुछ, आपको जो सही लगे लो, मार्केटिंग भी अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा है, ऑपरेशन अच्छा सब अच्छा है, अपनी अपनी चॉइस होती है। बस फाइनेंस में क्या है, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस में आपका कंसल्टिंग रोल, स्ट्रेटजी रोल सब में जा सकते हो, और फाइनेंस को समझो कि फाइनेंस ले लिया आपने तो आपको हमेशा एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होता है। आप स्विच कर सकते हो रोल, मैं बनाऊंगा उस पर एक वीडियो, ठीक है। मार्केटिंग में गाइस क्या है, मार्केटिंग में उन लोग के लिए अच्छा है जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो लोग जा सकते हैं मार्केटिंग में भी, ठीक है। तो ये सब बातें नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पे कुछ कंपनीज की लिस्ट है गाइस, आप देख सकते हो कुछ अगर ढंग की कंपनीज अगर देखो मैं, तो डेलॉइट वगैरह हो गई, डी शॉ हो गई, ठीक है, क्रेडिट स्विस, क्रिसिल, फिर यहाँ पे अगर आप देखो फ्लिपकार्ट वगैरह तो है, जेनपैक वगैरह, हैपली इंडिया भी ठीक कंपनी है, देन वी हैव आईबीएम वगैरह भी ठीक ही है, फिर आपका जेपी मॉर्गन, केपीएमजी, ठीक है, देन मर्सिडीज बेंस, ठीक है, फिर ओरेकल वगैरह हो गई आपकी, फिर यहाँ पे आपकी आगे कंपनी विप्रो वगैरह है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब बड़ी कंपनीज हैं गाइस, ठीक है। बाकी तो अपने ऊपर होता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो गाइस ये वीडियो बनाने का मेन रोल यही था कि काफी लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ठीक है, अपने पूरा 200% एफर्ट दो एसआईबीएम पुणे जाने का, बट इनकेस नहीं होता है देन यू कैन हैव अ डिसेंट ऑप्शन। और अब यहाँ पे काफी लोग कंपेयर करते हैं गाइस एसआईबीएम बैंगलोर को एसआईआईबी पुणे से, दोनों का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कंपैरिजन पे, पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एसआईबीएम बैंगलोर और पुणे में, एसआईआईबी पुणे में, एसआईबीएम बैंगलोर थोड़ा सा ऊपर में समझूंगा, बिकॉज द रीजन भी एक ब्रांड वाली बात आ जाती है, क्योंकि जब किसी आप कहीं जाते हो तो आप बोलते हैं एसआईबीएम से हैं हम, तो एसआईबीएम का लोग नाम जानते हैं पुणे की वजह से, बट एसआईआईबी थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। बट मैं ये एक रीजन हो सकता है क्योंकि आजकल दिखावे का ऐसा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब आप, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय जाता है किसी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स के लिए कहीं भी जाता है, तो बोलते कहाँ से हुआ, बोलते हैं कि एनएमआईएमएस से, कौन से कैंपस नहीं बताते हम लोग, तो एनएमआईएमएस के नाम से थोड़ा लग जाता है कि यहाँ एनएमआईएमएस का है ये चीज़ है। तो ऐसे ही एसआईबीएम, एसआईबी थोड़ा अलग टाइप हो जाता है, एसआईबीएम पुणे से रिलेटेड है इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआईबीएम बैंगलोर मिल रहा है आपको बेस्ट है, मतलब वो भी बेस्ट, एसआईबी भी बढ़िया है, ठीक है, खराब नहीं है वो। चलो गाइस, गाइस अगर जो लोग अच्छे से करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि गाइस अभी भी टाइम है, आप हार मत मानो कि आपका नहीं हो पाएगा कुछ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गाइस, अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना ढंग से, पढ़ते हो स्ट्रक्चर्ड मैनर में, पढ़ना तो है, पढ़ता तो हर कोई है, स्ट्रक्चर्ड मैनर क्या होता है, जो पढ़ना है वो पढ़ो। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, प्लेसमेंट ये सब, और पढ़ते भी हैं तो फिर रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। देख प्रॉपर हम पढ़ना गाइस, देन यू कैन चेक आउट स्नैप का क्रैश कोर्स, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई गई है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं डेली हम लोग के पास। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, 3 से 4 वीडियो पर डे देखते हो आप, तो आपका बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज वैरायटी वाली बात है गाइस। हमने काफ़ी लोगों को देखा है हर साल, वो लोग सिर्फ मॉक्स देते रहते हैं, मॉक्स उनका स्कोर स्टैग्नेंट रहता है, दे जस्ट कीप ऑन स्कोरिंग बिटवीन, मान लो अभी के अकॉर्डिंग 28 से 32 के बीच में स्कोर आता रहता है उनका, कभी कभी 34 आ जाएगा खुश जाएंगे, बट वाकई अगर आपको एसआईबीएम पुणे जाना है तो आपको स्कोर अपने मॉक्स में 42+ लाना पड़ेगा।
तो ये हम लोग का क्रैश कोर्स है। हम लोग अभी लाइव क्लास भी करने वाले हैं काफी, अभी कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया हम लोगों ने। लाइव क्लास एक्चुअली हम लोग की पूरी हो चुकी है, हम लोग लाइव क्लास जो कर रहे हैं वो पास ईयर पेपर की डिस्कशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइव हम लोग टारगेट है 200 क्वेश्चन डिस्कस कराने हैं सारे सेक्शन से मिला के पास स्टैम्प के। तो उसमें आपको ई बुक्स, 550 टॉपिक टेस्ट, 15 स्टैम्प के मॉक्स, सब कुछ मिलता है। और ये कोर्स इज मोर देन इनफ टू क्रैक द एग्जाम अगर आप पढ़ने वाले हो तो। आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिर्फ कोर्स लेके जो लाइव क्लासे पहले हो चुकी हैं और जो होनी है उनको आपको सब देख के जाना है एग्जाम से पहले अच्छे से। एक दिन में 8-9 घंटा पढ़ो, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बिकॉज हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है ना छोड़ेंगे कोई चीज, ठीक है। अभी तो काफी करना है इसमें। अगर आप सिर्फ मॉक्स मॉक्स ले सकते हो, बहुत ज्यादा रिलेवेंट एंड क्लोजेस मॉक है हम लोग के, पिछले बार 1000 से ज्यादा लिया था, ठीक है। 1-2, 9-9 के 15 मॉक है, अच्छे से एनालाइज करो, आपका स्कोर बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये मेरा नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और बाकी हम लोग गाइस कोर्सेज अभी चल रहे हैं, टेस्ट, सीमैट, एसआरसीसी, जीबीओ, स्नैप। अगर आपको कोई कॉम्बो कोर्स लेना हो कि सीमैट स्नैप, तो आपको अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, आपको कॉम्बो बन जाएगा विदाउट एनी मच डिफरेंस इन द कॉस्ट, ठीक है। और सीईटी का भी हम लोग सुपर 40 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली टू सीईटी। आपकी हेल्प होगी बाकी एग्जाम में, बट हम लोग का मेन फोकस सीईटी ही रहेगा उसमें, ठीक है। ये चीज़ें, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।